बाहर के हैं, अब हम देश में रह रहे, पहले हमारी सुधी लीजिए ना, हम किस योग में तरफ रहे। आप कहते थे 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, साल में 12 करोड़ नौकरी होती, आपने नौकरियां खा गई, सारी कंपनियां बंद हो रही, लोग बाग सड़कों पर उतर रहे, लोगों को मार्च आते आते मोदी जी अपने बातों पर कहेंगे कि मैंने 35 साल भीख मांगा, आप क्या आप देश की जनता से भीख मंगवाएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मित्रों भाइयों बहनों, प्याज लॉकर में रखने की चीज है। मोदी जी आपने तो देश का वो माहौल बना दिया, हम बैंक में भी नहीं रख सकते। आपने पाषाण काल की बात कर दी, हम मिट्टी के बर्तन में अपने रुपयों को रखें, हम अपने प्याज को क्या मिट्टी के बर्तन में रखें, प्याज बैंक में रखने लायक नहीं छोड़ा। आपने सारे बैंकों को डुबा दिया, अपने व्यापारिक मित्रों को NPA में डाल दिया। आप कहते हो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, आप 6 साल से क्या कर रहे थे। संशोधन बिल लाया है, इनसे अपना घर चल नहीं रहा है और अगल बगल झांक रहे हैं। जो हिंदुस्तान की आबादी है, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, वो कितने तकलीफ में है, इस बारे में कोई कानून नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी, आपको ये ओवैसी के साथ बैठ के जो आप मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहे हो, देश की जनता समझ रही है, हम हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सिख सब एक समान रहते हैं। आपको अगर धर्म की बात करनी है, आप गुरुद्वारे में जाते, आप अगर हिंदुओं के मसीहा बन रहे तो गुरुद्वारे जैसे 6 गुरुद्वारे पूरे हिंदुस्तान में खोले होते हैं किसी हिंदू के धर्म स्थान में, मैं आपको मानता कि आप हिंदुओं के नेता हैं। ये आप सत्ता की दलाली कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, हिंदू बनाम मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते। देश में आज क्या हाल है, लोग डरे हुए हैं, लोग शामे हुए हैं। आपने देखा यूपी की घटना है, ये सोचने को मजबूर हो गए कि क्या कर रहे थे CBI, जब पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, जब पीड़िता के परिवार को ट्रकों से कुचलवा दिया गया, क्या आदमी इतना दिन इंतजार करता है। आप रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकते, आपका एक मंत्री कहता है केंद्र का पैसा वापस लेने के लिए प्रधान मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको शर्म नहीं आती। आपको महाराष्ट्र की जनता का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था, महाराष्ट्र के किसान भूखे मर रहे हैं, जमीन पानी को तरस रही है, वहाँ पीने को पानी नहीं है। अगर केंद्र का पैसा चला ही गया, किसी की भी सरकार थी, आपने तो 30 साल के अपने दोस्त को भी दगा दिया। देखिए आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं के नेता नहीं हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन बाकायदा शुरू से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही हिंदुत्व कार्ड को लेकर पूरी राजनीति की है और अब भी दूसरे कार्यकाल में भी यही कहा जा रहा है। पहले ये बात कही गई थी कि हम बाबरी राम मंदिर बनवाएंगे, उस पर वोट हासिल किया था। देखो ना ही हमारा धर्म कहता है, जाति की व्याख्या करता है, मैं जिस धर्म से हूँ हिंदू धर्म में जाति की कहीं व्याख्या नहीं है। शायद इन लोगों ने हिंदुओं का धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, इसलिए जाति की बात करती। दूसरी बात, सभी जातियों में एक ही, सभी ऋषियों जो 10 ऋषि हुए उन्हीं का गोत्र चलता है। मैं भाजपा नेताओं को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी दिन बहस करना हो तो हमारे पास आएंगे, हम वेद पुराण का एक एक श्लोक के साथ में बताएंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। जब ये पहली बात है, दूसरी बात है, आप आए हिंदू पर, किस हिंदू की बात करते हैं भाई साहब। मैं सवर्ण हूँ, क्या मैं हिंदू हूँ, इसका सर्टिफिकेट भाजपा देगी। भाजपा नेताओं को देखना पड़ेगा कि मेरा खतना नहीं हो रखा। ये सोचने वाली सवाल है, ये अगरों को पिछड़ों से, पिछड़ों को दलितों से, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम करती है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय दीपक मिश्रा जी के फैसले को किस तरीके से आप पार्लियामेंट के अंदर में पास कराते हैं, निर्दोष सवर्णों के ऊपर में मुंह फाड़ते ही 10 साल की सजा का प्रावधान करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ तो उन्होंने कर दिया निर्दोष सवर्णों को, इसमें जो ब्राह्मण कायस राजपूत वगैरह आते हैं उन पर मुंह फाड़ते ही 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुओं के मसीहा हैं, कैसे मसीहा हैं भाई, सवर्ण हिंदू नहीं होते, क्या उनकी ये गलती है। ये वो पहली बात। दूसरी बात, आप हिंदुओं की बात करते करते मुसलमानों से टारगेट करते हैं मुसलमानों को। आपके घरों में आप देखिएगा जितने भाजपा के नेता हैं, सबके दामाद मुसलमान हैं लगभग। रामलाल जी मुसलमान से शादी किया, जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, प्रवीण टगोरिया जी के बहनों ही मुसलमान हैं, मोहन भागवत जी के दामाद मुसलमान हैं, आडवाणी जी के दामाद मुसलमान हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के घर में तो सारी धर्म ही हैं, उनके घर में सभी धर्मों का समावेश है, वो धर्म निरपेक्ष है। अब शाहनवाज हुसैन को देखिए, मुख्तार आवाज नकवी को देखिए, ये हम भाइयों में दूरियां कैसी। हमारा एक ही जाति है मानव जाति, हमारा एक ही धर्म है इंसानियत। ये लोग सत्ता के दलाल हैं, ये राम के नाम का राजनीतिकरण करते हैं। आपने देखा था इनके एक सांसद ने क्या कहा, निशिकांत दुबे ने,
कि पहले जीडीपी नहीं होता था। अरे मूर्ख, तुम्हारे पढ़ाई पर लानत है, तुमने चोरी करके पास किया है। तो अगर पढ़ा होता, रामायण पढ़ा होता, कुरान पढ़ा होता, बाइबल पढ़ा होता, नासिक सास पढ़ा होता, तो नफरत की बात नहीं होती। हमारा धर्म क्या कहता है, आप आइए रामायण पर, चूँकि प्रभु श्री राम की बात हुई है, वो प्रभु श्री राम का नाम का वोट मांगते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। उनके ही नाम को कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जब मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आए तो उन्होंने श्री राम का नारा लगा के बहुत सारे मुसलमान को मार डाला। वो देखिए, अगर किसी की मौत हुई, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, मैं सभी के मौतों पर, सभी के बलात्कार की घटनाओं पर निंदा करता हूं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। धर्म धर्म नहीं है, सभ्यता है। धर्म की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से धर्म की परिभाषा हुआ है, जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के साथ अपनाएं, यही धर्म है। किसी धर्म में लिख सिखाता है क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सियासी लोग हैं, देश की जनता को समझना होगा। आज अगर ये समझे होते थे देश की ये हालत होती क्या? रोटी नमक तेल प्याज पर से प्याज तो हट ही गया, लहसुन हो ही गया, अब तेल की बारी है। आप देख रहे हैं कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार लोग जो सत्ता की राजनीति करते हैं, दलाली करते हैं। आपने देखा था रामलीला मैदान में किस तरीके से आंदोलनकारी चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं, जो किसी सलाहकार समिति में मेंबर बनना चाह रहे हैं, वो चुप क्यों हैं? देश की आज कुव्यवस्था पर देश सवाल पूछ रहा है। जो लोग रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, कहाँ गए पौने दो आँख वाला बाबा रामदेव? कहाँ गए गांधी जी के विचारों पर चलने वाले अन्ना हजारे जी? कहाँ गई अपने आप को ईमानदार कहने वाली किरण बेदी जी? राज्यपाल बनते ही चुप हो गई। कहाँ गए केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी? मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। कहाँ गए कुमार विश्वासी? अपने कविताओं के लय में कहते थे, आज भूल गए? भूल गए वे लोग निर्भया को? शर्माती है। आज अगर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर विशेष शालनर के जैसा कदम उठाया होता तो आज निर्भया की मां तिल तिल के नहीं मर रही होती। आज ये उन्नाव की घटना जो ढोंगी जी की सरकार में हुआ है, आपने देखा पीड़िता को किस तरीके से मिट्टी का तेल जला के जला दिया गया। इतनी निरसन सत्या, हम लोग कहते थे, गर्व से कहते थे पहले, जिस देश हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा जमुना बहती है। आज हम कैसे कह सकते हैं कि कुलदीप सेंगर जैसा आदमी रहता है हमारे यहाँ, जो पीड़िता के चिमेनन जैसे लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, अभी कहूँगा तो कम से कम एक घंटा लगेगा बलात्कारियों का नाम कहने में। मेरे को 150 लोगों की सूची है, बनारस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मैं जात पात धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता, मैं मेरी जाति मानव की है, मेरा धर्म इंसानियत की है, मैं उस इंसानियत के धर्म के नाम से कहता हूँ। आप नोटबंदी कर सकते हैं रातों रात, आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आप देव यहाँ लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, जहाँ 10 साल की गुड़िया से लेकर 60 साल के बुढ़िया तक का इज्जत आबरू नहीं बच रहा। आपने देखा दिल्ली में 55 साल की महिला के साथ क्या हुआ? कहाँ सुरक्षित हैं लोग? आप उसके लिए कठोर कानून बनाते। अच्छा, ये जो एक खूबसूरत गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान, बहुत देर से आप ये बात कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, क्या अब आपको लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दूसरे कार्यकाल की बात अगर करूं तो इसी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर गृहमंत्री बयान देते हैं कि हिंदुओं को आज़ादी होगी, सिखों को, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम धर्मों को होगी, लेकिन ये नागरिकता संशोधन बिल जो लाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, उनको शहरियत नहीं देंगे हम। देखिए, हम साफ कह रहे हैं, हम इस देश के वासी होने के नाते जी, हम उस वंश में जन्म लिए, हमें गर्व है, फख्र है, हम खुद ही बोस के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम जयप्रकाश नारायण के वंशज हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वंशज हैं, हम देवपुत्र भगवान चित्रूप के वंशज हैं। हमारे में असमानता नहीं होती। अगर आप नागरिकता तो दूसरे देश वालों को देना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, धर्म के आधार पर क्या, जाति के आधार पर क्या, बाहर के हैं आप, हम देश में रह रहे, पहले हमारी सुधी लीजिए ना, हम किस योग में तरफ रहे। आप कहते थे 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, साल में 12 करोड़ नौकरी होती, आपने नौकरियां खा गई, सारी कंपनियां बंद हो रही, लोग बाग सड़कों पर उतर रहे, लोगों को मार्च आते आते मोदी जी अपने बातों पर कहेंगे कि मैंने 35 साल भीख मांगा, आप क्या आप देश की जनता से भीख मंगवाएंगे? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मित्रों भाइयों बहनों, प्याज लॉकर में रखने की चीज़ है। मोदी जी, आपने तो देश का वो माहौल बना दिया, हम बैंक में भी नहीं रख सकते। आपने पाषाण काल की बात कर दी, हम मिट्टी के बर्तन में अपने रुपयों को रखें, हम अपने
प्याज को क्या मिट्टी के बर्तन में रखें? प्याज बैंक में रखने लायक नहीं छोरा। आपने सारे बैंकों को डुबा दिया, अपने व्यापारिक मित्रों को एनपीए में डाल दिया। आप कहते हो पूर्ववर्ती सरकार ने कि आप 6 साल से क्या कर रहे थे? आज देश की हालात आप देख रहे हैं किस तरीके। मोदी जी अपने व्यापारिक मित्र के फोन का प्रचार कर रहे थे, जियो फोन सेल्समैन सप्लायर सब थे, वही एम्बेसडर भी थे, प्रचार भी कर रहे थे। MTNL PSNL डूब गई। देश की जनता को समझना हो, हमारे यहाँ गाँव में कहा जाता था रेलवे और बैंक में नौकरी मिल गया, चपरासी की नौकरी मिली, ये डायरेक्टर बनेगा। लड़की की शादी गर्व से करते थे कि ये लड़का रेलवे में गैंगमैन है, ये रेलवे में चपरासी है। आज लोग जो डायरेक्टर है उनको नहीं पता कि वो कब नौकरी से जबरदस्ती उनको VRS दे दिया जाएगा। अच्छा, इतनी योगी आदित्यनाथ ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।